studying the chapter 4 of class 1 and the name of the chapter is the food we eat. आपको अपने बुक को अपने साथ लेकर बैठना है ताकि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ आप उसको लाइन बाई लाइन पढ़ते रहें. और अभी तक जिसने भी बुक नहीं खरीदा है वो जाकर दुकान से बुक ले सकता है और बुक वहाँ पे मिल रही है. और अगर आप अभी नहीं खरीदेंगे तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब बुक का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, इसलिए आपको अभी बुक ले लेनी है ताकि आपको सस्ते में बुक मिल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. तो चैप्टर का नाम क्या है? द फूड वी ईट. वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री. हम खाना जब खाते हैं जब हम भूखे होते हैं. हम खाना तब खाते हैं जब हम भूखे होते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. खाना जो है भोजन जो है हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है किसी भी काम को करने के लिए और खेलने के लिए. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. खाना जो है भोजन जो है वो हमें ग्रो करने की शक्ति देता है, यानी कि हमारे शरीर को विकसित करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें हेल्प करता है, मदद करता है. जैसे हम अभी बच्चे हैं तो आप लोग जैसे जैसे भोजन खाएंगे धीरे धीरे आपका विकास होगा और आप लोग बड़े होते जाएंगे. इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. यह हमें स्वस्थ बनाता है और मजबूत बनाता है. भोजन जो है हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. और हम लोग तरह तरह के भोजन खाते हैं, अलग अलग टाइप के भोजन खाते हैं ना हम लोग रोज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे टाइप के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब चीज़ें हम खाते हैं. तो सबसे पहले है वी ईट फ्रूट्स. हम फलों को खाते हैं. फल का एग्जाम्पल क्या हो गया? एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स. मतलब हम लोग फल खाते हैं और फल के कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं चित्र के साथ उसके. एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है. एप्पल मतलब क्या होता है? सेब. मैंगो मतलब आम, बनाना मतलब केला, ऑरेंज मतलब संतरा और ग्रेप्स मतलब अंगूर. तो हम लोग किस किस टाइप के फ्रूट्स खाते हैं आप लोग ये समझ गए. और आप लोग जो जो फ्रूट्स को खाते हैं, जो जैसे जैसे फल को खाते हैं, आपको उसके नाम लिखने हैं. जैसे आप लोग रोज अभी तरबूज खाते हैं तो तरबूज का क्या होता है इंग्लिश? वाटरमेलन. तो वैसे ही जैसे तरबूज का इंग्लिश हुआ वाटरमेलन, तो वैसे ही आपको क्या करना है, आप जो जो फ्रूट्स खाते हैं आपको उसके नाम को लिखना है कॉपी पे. हिंदी भी लिखना है उसका और इंग्लिश भी उसका लिखना है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. वी ईट वेजिटेबल. हम सब्जियां भी खाते हैं. सब्जी में कौन कौन से सब्जी हम खाते हैं? पोटैटो खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, स्पिनिक खाते हैं, टर्निप खाते हैं. पोटैटो मतलब आलू, कैरेट्स मतलब गाजर, कॉलीफ्लावर मतलब पत्ता गोभी, स्पिनिक मतलब पालक और टर्निप मतलब सलजम. तो यहाँ पे अलग अलग वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, आप जो जो डेली अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स सब्जियाँ खाते हैं उसके नाम को आपको कॉपी पे लिखना है. अब आगे बढ़ते हैं. वी ईट ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज. हम कैसे कैसे टाइप के अनाज खाते हैं? तो है दाल है, राइस है, वीट है, कॉर्न है. यानी दाल मतलब पल्सेस. दाल क्या होता है? जो हम लोग रोज अपने खाने में खाते हैं ना, वो दाल, राइस, चावल, वीट, गेहूँ, जिसकी रोटी खाते हैं हम, कॉर्न, मक्का, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वह किसका नाम है? अनाज का नाम है. और हम लोग अपने डेली लाइफ में रोज अनाज तो खाते ही है. भले एक सब्जी को हम लोग रोज ना खाएं लेकिन अनाज तो हमारे रोज के खाने में होता है. और यहाँ पे है वी ऑल्सो ईट सम अदर फूड. हम कुछ और टाइप के भी फूड खाना को खाते हैं. जैसे है मिल्क है, चीज़ है, पनीर है, बटर है, हनी है, एग है, फिश है, चिकन है. तो ये सब अलग टाइप के फूड है. जैसे मेन क्या थे हमारे भोजन में? फ्रूट्स थे, यानी फल, सब्जियां और अनाज. और इनसे हटकर भी हम लोग कुछ चीज़ें खाते हैं, यहाँ पे उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? मील टाइम. मील टाइम मतलब क्या हुआ कि हमारे भोजन करने का समय, हमारा जो मील है, हमारा जो भोजन है उसको
कब कब हमें खाना चाहिए, हम लोग कब कब उसको खाते हैं। वी टेक आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम नाश्ता कब करते हैं सुबह में, लंच कब करते हैं दोपहर में, डिनर कब करते हैं रात में। तो यहाँ पे हो गया कि हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं और रात को डिनर करते हैं। यहाँ पे तीन टाइप हो गए हमारे मील, हमें कब कब खाना चाहिए उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस। सम पीपल ईट ओनली राइस, ब्रेड, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ लोग जो है चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते और सब्जियां खाते, तो कुछ लोग सिर्फ यही चीज़ें खाते हैं। वो लोग अंडे, मछलियां, मीट ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। जो लोग केवल राइस, ब्रेड, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं और नॉन वेज यानी कि एग्स, फिश, मीट ये सब नहीं खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस। और कुछ लोग जो अंडे, मछली और मीट ये सब चीज़ें खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। अब आगे देखो, बी इज़ द ओनली इंसेक्ट दैट गिव्स अस फूड, दिस फूड इज़ हनी। बी जो है एक इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जो हमें खाना देता है, और वो जो खाना देता है वो क्या होता है हमारा? हनी। हनी मतलब शहद। वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम, अब हमें खाना कहाँ से मिलता है, हम अपना जो भोजन है वो कहाँ से लाते हैं? तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम अपना जो भोजन है वो पौधों से, पेड़ पौधों से या फिर एनिमल्स जानवरों से प्राप्त करते हैं। जैसे वी गेट राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, हम चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, सब्जियाँ और फल ये सब चीज़ें हम पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। और मिल्क, एग्स, मीट, फिश एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स, और दूध, अंडे, मीट, मछलियाँ और शहद ये सब हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि हम लोग दो जगह से अपना खाना प्राप्त करते हैं, एक हो गया प्लांट्स और एक हो गया एनिमल्स। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ये सही बात है कि हमारा जो आधा से ज़्यादा भोजन है वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? पौधों से या फिर पेड़ से। फास्ट फूड, अब आगे क्या है? फास्ट फूड, चिल्ड्रेन लव टू ईट फास्ट फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच एंड नूडल्स। बच्चे जो है पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और नूडल्स ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और नूडल्स, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो फास्ट फूड है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। दे मेक अस ओबेस और ओवरवेट, वी शुड नॉट ईट देम एवरी डे। ये जो है हमारे शरीर में हमें मोटा करते हैं और हमारा जो वेट है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा कर देते, ओवरवेट कर देते हैं हमें, और इसीलिए हमें इसको रोज़ नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में या फिर महीने में कुछ ही दिन हमें इस चीज़ को यानी फास्ट फूड को खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और ये हमें जल्दी मोटा कर देता है और हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? ईटिंग हैबिट्स, वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें दूध जो है रोज पीना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फूड, और हमें ताज़ा भोजन रोज खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड, और हमें अपना भोजन जो है ढक कर रखना चाहिए और जब खाना है तब उसको खोलना चाहिए। वी शुड स्टोर फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स, और हमें अपना जो भोजन है साफ़ बर्तन में रखना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, और हमें भोजन जो है हमारा खाना जो है उसको वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें अपना हाथ जो है वह खाने से पहले धोना चाहिए और खाने के बाद भी अच्छे से धोना चाहिए। अब आगे है क्विक बाइट्स, तो इसको आपको क्या करना है? कॉपी पर लिखना है और याद करना है। आगे
आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिखाए जा रहे हैं इसको आपको कॉपी पे लिखना है या फिर आपके पास बुक है तो आपको उसको बुक को फिल करना है। बुक पे जैसे जैसे मैंने टिक किया है वैसे आपको टिक करते हुए कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है, कलर द नॉन वेजिटेरियन फूड। इसमें जो नॉन वेजिटेरियन है उस फूड को क्या करना है, कलर करना है। तो इसमें कौन सा है नॉन वेजिटेरियन, फिश है, तो फिश को आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग क्विक बाइट्स को याद करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट, इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।